तो ये थी हमारी बहुत प्यारी सी पूर्णिमा की एंट्री। तो पूर्णिमा के लिए यस सब लोग एक बार जोरदार तालियां तो बजा दीजिए, और खास हमारी लाहौची फैमिली तो ताली बजा ही दीजिए, क्योंकि ये नन्ही सी परी अब आपकी होने जा रही है भाई। तो इसीलिए और इस हल्दी के शगुन और संगीत की धुन, जी हाँ हल्दी के शगुन और संगीत की धुन, अधूरा है सखी सुनो सखी सुन, सजाएगी हल्दी, जी हाँ पूर्णिमा सजाएगी हल्दी जिसके नाम की, ऐसा प्यारा सा है हमारा कौन, बोलिए बोलिए मोहित आज हमारे संग, जी हाँ मोहित है आज हमारे संग। और हल्दी की बड़ी प्यारी सी ये रस्म, दरअसल हल्दी की ये जो रस्म है ये हमारी पीढ़ियों से हमें मिली है, और हल्दी है शगुन की हल्दी। चाहे हल्दी का कोई भी काम आप देख लीजिए, आप खाने में भी यदि हल्दी नहीं डालेंगे तो मजा नहीं आएगा। और ऐसे में जब शादी विवाह के उत्सव होते हैं, ऐसे में भी हल्दी का शगुन अपने आप में एक ऐसी मिसाल देता है, जब हल्दी लगे बन्ना बन्नी हल्दी में लिपटे हुए इतने खूबसूरत होते हैं, और पहले के समय में तो फेशियल भी हल्दी से ही होता था। जरा बताएं, कुछ हमारे बीच में बड़े बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा बताएं हल्दी के बारे में तो और मजा आएगा, बताएं कुछ। बहुत दिन पहले हल्दी चंदन और मुझे लगता है जैसे जौ के आटे से, और बताए और टिप्स ने भाई, केसर आए हाय बादाम केसर आए हाय, और बताए और बताए और क्या क्या मिला के बड़ा प्यारा सा उपटन हमारी दादी नानियां तैयार करती थी, और बहुत पहले से ही घर में ये इंस्ट्रक्शन हो जाते थे कि भाई अब शुरू कर दो 10 दिन पहले 15 दिन पहले। फिलहाल आजकल तो दुल्हन को और दूल्हे को सभी को बाहर जाना पड़ता है इसलिए नहीं करते, लेकिन पहले टाइम में हल्दी लगी दुल्हन घर से बाहर नहीं जाती थी। और इसीलिए क्योंकि अब हम लोगों का जो काम है वो इतना बढ़ गया है कि घर में हम सिमट के नहीं रह सकते, तो ऐसे में अब हल्दी का शगुन एक ही दिन का रह गया, लेकिन इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता है कि कहना ही क्या। यहाँ जितने लोग आज हल्दी के इस फंक्शन में यहाँ मौजूद हैं, दोनों ही फैमिली से एक बार जोरदार भरपूर तालियां, ये तालियां नहीं होंगी आपका आशीर्वाद है आज इन दोनों के लिए, मोहित और पूर्णिमा के लिए, तो भरपूर तालियां बजाइए। और आज की इस शाम को जी हाँ लाहौटी फैमिली के साथ में और समदानी फैमिली के साथ में हम लोग एंजॉय करेंगे, और आज मैं आपके बीच में आपकी अपनी आवाज बनकर आयुषी इवेंट्स के साथ में, एंकर त्रिशा एक बार सभी के अभिवादन के साथ में और स्वागत के साथ में आज की इस हल्दी वाली शाम, जी हाँ हर तरफ निखाए जा रहे हैं, वहाँ हर तरफ हल्दी में लिपटे हुए सभी नजर आ रहे हैं, भले उन्होंने ड्रेस वेयर किया है लेकिन फिलहाल हमारी निगाहें यही कहती हैं कि हर तरफ शगुन की हल्दी इस कदर महक रहा है ये आंगन, क्या कहने इस आंगन के। और हम यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि इसी तरह से दोनों ही फैमिलीज का घर आंगन महकते रहे।